नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल सारस्वत स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल कैसा भारत पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज भारत ही नहीं समूचा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रभावित है और हजारों नहीं लाखों की संख्या में तादाद पहुंचने वाली है विश्व में मरने वालों की। इसमें भारत भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लगातार भारतवर्ष में कोरोना वायरस पर जिस तरीके से कंट्रोल किया गया है, लोगों ने उनका साथ दिया है, भारतवर्ष की जनता ने जिस तरीके से उनका साथ दिया है, ऐसे में ये कहना मुश्किल नहीं कि भारत एक दिन पूरे विश्व के लिए उदाहरण बनेगा। तो आइए, आज कोरोना संक्रमण के इसी रोकथाम में भारतवर्ष की जनता किस तरीके से उनका साथ निभा रही है, वही चीज हम दिखाने के लिए आपको लेके आए हैं यहाँ एक घर के बाहर। देखिए, सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको यहाँ पर एक घर के बाहर किस तरीके से घर के बाहर एक बोर्ड लगा रखा है बकायदा लोगों ने, घर के लोगों ने, जिसमें साफ साफ दिया गया है कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु बातें ध्यान दें। सभी से निवेदन है कि बार बार अनावश्यक बाहर ना जाएं। आने जाने वालों से निवेदन है हाथ और मुंह ढककर ही जाएं। बाहर आने से जाने वाले सगे संबंधियों, शुभचिंतकों, जनों से आग्रह है फिलहाल ना आए। आने वालों से आग्रह है जूते चप्पल बाहर ही उतार कर आएं और नल से हाथ पैर धुलकर ही अंदर आएं। जिस किसी से बात करें 6 मीटर की दूरी से बात करें, हाथ ना मिलाएं, घर के बुजुर्ग और बच्चों से दूरी बनाए रखें। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बकायदा एक बोर्ड भी अपने घर के बाहर लगा रखा है, ताकि लोगों में जागरूकता हो, आने जाने वाले इस बोर्ड को पढ़कर जागरूक बने और इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, तभी कोरोना संक्रमण को रोका जा सकता है। तो चलिए, अब घर के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ लोग किस तरीके से कोरोना संक्रमण जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए जागरूक हैं और क्या तैयारी है। अभी देखेंगे हम इस घर के अंदर लोग कैसे कोरोना जैसे संक्रमण खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई निभा रहा है तो आज के दौर में भारतवर्ष के छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से लोग बड़े बड़े लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जहां एक और तबलीगी जमात जैसे मजहबी लोग कोरोना वायरस जैसी संक्रमण की खतरनाक जानलेवा बीमारी को हल्के में लेकर समाज में फैलाने का काम कर रहे हैं, वहीं भारतवर्ष के ऐसे छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, आप देखेंगे हमारे कैमरे की नजर हम आपकी तरफ ले जा रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे बच्चे कोरोना वायरस के लिए जनता को, भारत की जनता को कैसे जागरूक कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से, अपने अपने सलीके से, किस तरीके से वो जनता को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कोरोना कोई छोटी बीमारी नहीं, कोई हल्की बीमारी नहीं, एक बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ा संक्रमण है। अगर इसको समय रहते लोग जागरूक नहीं हुए और रोका नहीं गया तो एक दिन दुनिया का बहुत बड़ा समूह यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो आइए, हम अब आपको इन बच्चों से ही रूबरू कराते हैं और बच्चों के बारे में आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि बच्चे किस तरीके से इस लड़ाई में भारत के प्रधानमंत्री का साथ निभा रहे हैं। आइए, अब हम मिलाते हैं आपको इस घर के इन नौनिहालों से, इन बच्चों से, लिटिल मास्टर से, जो आपको कोरोना संक्रमण से जागरूक करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और आप देखेंगे इन लोगों ने बड़ी बेहतरीन तैयारी की है, बड़ी उम्दा तैयारी की है। आप सब देखें, मैंने दिखाने की कोशिश की है कैमरे पे कि सभी बच्चों ने कुछ पेंटिंग्स बनाई है कोरोना वायरस से जागरूकता के लिए, और ये पेंटिंग्स में कुछ मैसेज दिए गए हैं इन बच्चों की तरफ से, जो भारत की नहीं पूरे समूचे विश्व की जनता के जागरूकता के लिए हैं। आप देख सकते हैं सब बच्चों ने अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं। मैं दिखा रहा हूं आपको, सारे बच्चों के पास कुछ अलग हटके पेंटिंग्स हैं जो बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया मैसेज दे रहे हैं लोगों को। चलिए, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं यहां मौजूद लिटिल मास्टर में सबसे छोटे बच्चे। हेलो बेटा, आपका क्या नाम है? कसके बताइए जरा। संस्कार सरस्वत। वेरी गुड। संस्कार, आपने पेंटिंग बनाई है? हाँ। बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई है। तो आप कोरोना को जानते हैं, बहुत डेंजर होता है क्या? हाँ। अच्छा, तो आपने क्या मैसेज दिया है कोरोना के लिए सबको?
जरा बताएंगे आप क्या? कोरोना से बच के रहना, अपने अपने घर में रहना। फिर से एक बार मुझे जरा बता दीजिए। कोरोना से बच के रहना, अपने अपने घर में रहना। वेरी गुड, कोरोना से बच के रहना, अपने अपने घर में रहना। देखिए कितनी अच्छी बात इस छोटे से बच्चे संस्कार ने बताई है। जनता इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं, बड़े बड़े लोग, लेकिन इस बच्चे ने कितने सलीके से इस बात को बताया कि अगर कोरोना से बच के रहना है तो उसका सबसे उम्दा और सबसे अच्छा अगर कोई तरीका है तो ये कि हम अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। चलिए अब हम बात करते हैं पास में ही बैठे हुए एक और छोटे से बच्चे से। क्या नाम है बेटा आपका? संकल्प। संकल्प, संकल्प आपने भी क्या पेंटिंग बनाई है? इसमें एक डॉक्टर है जो भारत देश को अपनी गोदी में लेके बचाना चाहता है, मैप को अपनी गोदी में लेके बचाना चाहता है। वेरी गुड, यहाँ देखिए संकल्प ने एक सुंदर सी पेंटिंग बनाई है जिसमें एक डॉक्टर है जो पूरी तरीके से किट पहने हुए हैं इस तरीके की कि कोरोना वायरस उनको संक्रमित ना कर सके, और हाथ में जिस तरीके से एक बेबी को संभाला जाता है, छोटे से न्यू बॉर्न बेबी को, उस तरीके से भारत को संभाले हुए डॉक्टर हैं, और उसमें एक मैसेज भी दिया गया है, तो हम इन्हीं से पूछते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अब यहाँ बैठी हुई एक और बच्ची है, उससे पूछते हैं कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए उसने क्या तैयारी कर रखी है। बेटा आपका क्या नाम है? आस्था। आस्था, आस्था आप क्या दिखाने वाली हैं? मैं एक पेंटिंग दिखाने वाली हूँ जिसमें कोरोना चारों को लिए अपने हाथों में, और ये देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये चारों अगर एक को होएगा तो अपने पूरे देश को हो सकता है। तो प्लीज आप अपने होम में रहिए और बाहर बिल्कुल नहीं निकलिए। आपने क्या संदेश दिया है इसमें कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोरोना से खतरा है भाई। वेरी गुड, तो आपने देखा कि हाँ आस्था ने बहुत अच्छा संदेश दिया है, एक पेंटिंग बनाई है, आप देख सकते हैं चेस्ट पे लगी हुई है, जिसमें कोरोना के चार हाथ दिए गए हैं और चारों हाथों में अलग अलग धर्म के चारों लोगों की तस्वीर बनी हुई है जो कोरोना के हाथों में फंसे हुए हैं, और यहाँ एक संदेश भी दिखाया गया है जिसमें लिखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोरोना से सबको खतरा हुआ, यानी कि कोरोना कोई ऐसा नहीं है, ऐसी चीज नहीं है जो किसी का धर्म देख के या किसी की जात देखकर उस पर उसको संक्रमित करेगा। इसमें कहीं ना कहीं सभी के लिए चेतावनी है, सभी के लिए जागरूकता की जरूरत है कि सब लोग कोरोना से सावधान रहें, ये किसी के को भी संक्रमित कर सकता है, इसका प्रभाव किसी के भी जीवन को नष्ट कर सकता है। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और आस्था के जस्ट बगल में बैठे हुए एक और बढ़िया एक और बच्चे हैं, इनसे भी पूछते हैं इन्होंने क्या तैयारी की है कोरोना से संक्रमण को सावधान करने के लिए लोगों को। बेटा आपका क्या नाम है? सुभ्रांश। सुभ्रांश आपने क्या बनाया है? मैंने इसमें बनाया है कि मैंने कुछ सावधानियां लिखी है इसमें, जिन सावधानी को फॉलो करने से हम लोग कोरोना वायरस से बच सकते हैं। मुझे बताएंगे कि आपने इस अपनी पेंटिंग पे कोरोना संक्रमण से कौन कौन सी सावधानियां लिखी हैं जो लोगों को जागरूक कर सकती हैं? सावधानी नंबर एक, हर 20 मिनट पर अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह से धोएं। सावधानी नंबर दो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें तथा एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। सावधानी नंबर तीन, मुंह पर मास्क लगाए रखें। सावधानी नंबर चार, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। सावधानी नंबर पाँच, खांसते व छींकते समय अपने मुंह पर रुमाल या कोहनी लगा कर रखें। सावधानी नंबर छः, सफ होने पर डॉक्टर से ही जांच कराएं। सावधानी नंबर सात, सबसे अच्छा अपने घर पर ही रहें। वेरी गुड, सबसे अच्छा अपने घर पर ही रहें। तो देखा आपने, ये थे सुभ्रांश, और इन्होंने भी कोरोना वायरस से लोगों को जागरूक करने के लिए कितना उम्दा, कितना सच्चा और कितना बेहतरीन मैसेज दिया है कि अगर कोरोना जैसी खतरनाक संक्रमण वाली बीमारी से बचना है, जानलेवा बीमारी से बचना है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना का अभी तक कोई एंटीडोज नहीं बना है और ये किसी की हितैषी नहीं है, हर किसी को संक्रमित कर रही है। विदेशों में अब तक इससे चीन, जापान, अमेरिका, फ्रांस, तमाम देशों में इससे हजारों लोग मर चुके हैं, कई हजार लोग मर चुके हैं, और लगातार दिन प्रतिदिन इसकी तादाद बढ़ रही है, और इसके संक्रमण को अगर रोकना है तो कोई एंटीडोज, कोई दवा नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुछ सावधानियां हैं जिन्हें हमें, जिनका अगर हम पालन करेंगे तो हम इस कोरोना से
लड़ाई में जीत सकते हैं, और वो सावधानियां अभी अभी सुभ्रांश ने आपको बताई हैं कि हमें हर 20 मिनट में हाथ धोना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मुंह पर मास्क लगा के रखना चाहिए, गैदरिंग वाली जगह से बचने की कोशिश करना चाहिए, छींकते खांसते समय कोहनी या रुमाल का इस्तेमाल करें, अगर संक्रमण की संभावना या शंका हो तो जाकर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और सबसे बेहतर अगर हमें फिर भी इन सब चीजों से बचना है तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम घर पर ही रहें, तभी हम देश का कुछ भला कर सकते हैं। इससे ज्यादा और अच्छा मैसेज भला आपको कहाँ मिलेगा, जो इन छोटे छोटे बच्चों ने अपने अपने तरीके से सुंदर तरीके से हम सबको दिया है। एक बार सारे बच्चे एक साथ खड़े होके बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, थैंक यू। तो देखा, इन बच्चों के साथ आज हम इस घर में कोरोना संक्रमण की जागरूकता अभियान के तहत हम इस घर में पहुंचे और यहाँ बच्चों से बात की, जहाँ बच्चों ने बहुत अच्छी उम्दा पेंटिंग्स के द्वारा और बहुत अच्छे संदेशों के द्वारा भारतवर्ष की जनता को जागरूक करने की कोशिश की, भारतवर्ष की जनता को समझाने की कोशिश की कि कोरोना को हमें हल्के में नहीं लेना है। कोरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, बहुत बड़ी बीमारी है, अगर हम इसको हल्के में लेंगे तो जैसा हाल चीन, स्पेन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों, बड़े बड़े महाद्वीपी देशों का हुआ है, इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति अपने भारतवर्ष की हो सकती है। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, भारत सरकार के बताए हुए नियमों का पालन करें, घर में सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।